पूरा इंडिया एक्साइटेड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिकॉज कोई 4 साल से वेट कर रहा है, कोई 3 साल से वेट कर रहा है, एंड कोई 6 महीने से वेट कर रहा है। बिकॉज हर आदमी अपने फ्यूचर को लेकर के, कैरियर को लेकर के चिंतित रहा है। और रात के जो सेशन हुआ है उसमें मुझे लगता है हर व्यक्ति की उस चिंता को से मुक्त कर दिया है लोगों को, कि हम आने वाला जो संडे है उसको हम ये पर्दा हटा देंगे, वहां से आपका जो कैरियर की शुरुआत होने वाली है, ये बहुत ही शानदार है। और जो जो लोग सोचते हैं कि मेरा मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं जितने भी साथी यहाँ सुन रहे हैं उनको एक कहना चाहूंगा, हाँ, एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ आप इसी तरह बने रहें। बिकॉज जब आप एक अच्छे लिसनर होते हैं, लिसनर लोग कहते तो हैं कि गुड लिसनर होना अच्छी बात है, लेकिन गुड लिसनर होने का तभी फायदा है जब आप जो सुनते हो उस पे अमल भी करते हो, जिस पे एक्शन भी करते हैं। तो ऐसर यही चाहते हैं कि आप सुनते हैं, सुनने के बाद उस पे अमल करना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। एक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, जो आने वाला समय है अभी हमारा बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन होने वाला है। और ऑन पैसिव की इस पूरे जो पूरी हमारी कम्युनिटी है वो उस लेवल पे जाने वाली है जहाँ की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कल्पना से परे की जिंदगी आपकी होने वाली है। बिकॉज क्योंकि आप दुनिया के एक ऐसे रेवोल्यूशनरी ब्रांड के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं, जहां पर ये इन सबको सोचने की जरूरत है। बिकॉज एक छोटी सी साबुन की, एक छोटी सी साबुन की टिकिया का ब्रांड एम्बेसडर अपने आप को उतना रीच कर लेता है, बट जब आप सोचिए कि आप ऑन पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जहां पर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट हैं, तो आप उस लेवल के ब्रांड एम्बेसडर हैं जहां से आपकी 100% लाइफ चेंज होने वाली है। एक साबुन की टिकिया का प्रचार करने वाला ब्रांड एम्बेसडर आपकी मतलब आपका रोल मॉडल हो जाता है, तो आप दुनिया में कितने बड़े रोल मॉडल होने वाले हैं ये आपको नहीं मालूम है। तो ऑन पैसिव के साथ, पेशेंस के साथ इसी तरह बने रहिए। और जो ये सेशन चला रहे हैं भाई रोहित शर्मा जी 369 का, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो बहुत मेहनत करते हैं। एंड उसके साथ साथ जो हमारे साथी रेखा मक्कन जी आती हैं, एंड और नीरा इंगराल या जितने भी लोग आते हैं, वो एलडी भगत जी आते हैं, वो सब लोग मिलकर के मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? टोटल कम्युनिटी, टोटल फाउंडर कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो आप सबको ये समझने की जरूरत है, बिकॉज आपको एक मौका मिल रहा है इस ऑन पैसिव के 369 ग्लोबल पर, जहां पर आप अपना विचार बड़ी आसानी से रख सकते हैं। सो आप बहुत ही शानदार इस जर्नी को तय करने वाले हैं, और आने वाला जो टाइम होगा वो आप ही का टाइम होगा। बिकॉज इस पूरी दुनिया में आप टॉप पे होने वाले हैं। अगर आपने ऑन रात को सेशन, अगर जिस भी व्यक्ति ने लाइव सुना होगा वो शायद उसको नींद नहीं आई होगी। जब हमारे छोटे भाई MDKF जी जैसे बोल रहे थे, सच में इन लोगों की नींद उड़ गई है। और नींद कोई बहुत मायने नहीं रखती है, क्योंकि फ्यूचर बहुत मायने रखता है, और जो हमने सोचा वो वैसा वैसा होने जा रहा है। तो साथियों, पेशेंस के साथ इसी तरह लगे रहिए, और 369 के ग्लोबल्स पर अपने अपने आकर के फीडबैक 100% देते रहिए। बिकॉज ये आपका अपना मंच है, और इस मंच पर आकर के आपको जो चीजें, आपको बोलने का मौका, आपको जो स्वतंत्रता, वो जो जो चाहिए। बट एक बात सोचना है कि आप ऑन पैसिव जैसी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है, और एक ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है उसका मनन कहें, 100% ये जरूर सोचना है कि आप ऑन पैसिव के ब्रांड एम्बेसडर है, और ऑन पैसिव का ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है उसका आपको 100% खुद को प्रूव करना है कि आप ऑन पैसिव के ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ऑन पैसिव का ब्रांड एम्बेसडर आने वाले समय में कहां पर किस ऊंचाई पे जाने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सर ने रात एक पॉइंट बोला था कि फाउंडर्स के अलावा कोई भी ऑन पैसिव में एंटर नहीं कर सकता, आप ही के लिंक के द्वारा ही ऑन पैसिव में किसी भी व्यक्ति का आना होगा, एंट्री होगी। सो आप सोचिए कि आप कौन हो, आप क्या हो, आप कैसे ब्रांड एम्बेसडर हो, और आपके लिए पूरी दुनिया काम कर रही है। सो थैंक यू सो मच।
अच्छा, मैं आप सबके भविष्य की मंगल में कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच रेखा जी, सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच देवीलाल जी। आपने सच में एक बात आपने बहुत अच्छी बोली जो मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगी, एवरीबडी दोज हु आर लिसनिंग टू अस, ब्रांड एम्बेसिडर अगर एक छोटे से किसी भी विज्ञापन का ब्रांड एम्बेसिडर होता है तो हम सेलिब्रिटी की तरह उसे कितनी दूर तक, मतलब कितना ऊपर तक सोचते हैं। लेट्स थिंक अबाउट ऑन पैसिव, ऑन पैसिव के ब्रांड एम्बेसिडर्स, आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, ओके। एंड इसको सोचना ही नहीं है, इसको अपने रग रग में, अपने पुट इट इनटू एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी ताकि आप जी सको इसके साथ। अब मेरे ख्याल से 7:45 हो चुके हैं एंड वी वुड हैव टू लीड टू द नेक्स्ट मीटिंग एज वेल। आई थिंक आज के लिए वी विल नॉट बी एबल टू टेक ऑल द हैंड्स रेज, तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोग फिर दोबारा आइए, क्योंकि ये फीडबैक सेशन और ये हमारी बातचीत चलती रहेगी, बिकॉज वी आर मूविंग मूविंग अहेड एंड अहेड एंड लास्ट में मैं जरूर एक नाम बुलाना चाहूंगी, रोहित शर्मा जी का, वो आए और मंच संभाले थोड़ी देर के लिए। ओवर टू यू रोहित, रोहित भाई अगर आप अवेलेबल हैं तो। शायद वो बिजी है। पैनलिस्ट में से मैंने अभी दीपेंद्र सर को, मतलब बोलने के लिए, आई वांटेड हिम टू से समथिंग, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे थे। तो इफ दीपेंद्र जी, आर यू एबल टू स्पीक नाउ, आप बोल सकते हैं अभी? यस 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 मैडम, गो अहेड, यस यस। गो अहेड। थैंक यू वेरी मच रेखा मैम, थैंक यू वेरी मच। गुड इवनिंग ऑल, नमस्कार इंडिया। सुपर एक्साइटेड है सभी हम, और वेकअप इंडिया, वेकअप फाउंडर्स, वेकअप ब्रांड एम्बेसडर, क्योंकि अभी जागने का समय आ गया, एक्टिव रहने का समय आ गया। तो सभी को एक रिक्वेस्ट है कि अभी एंगेज हो जाइए, बैक ऑफिस को ज्यादा से ज्यादा विजिट कीजिए, क्योंकि ये आपका बिजनेस है, हमारा बिजनेस है, किसी और का बिजनेस नहीं है। तो यही बैक ऑफिस हमारा एक बैकबोन है, जैसे एमडी कैप भाई ने कहा, तो जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि हम अभी ओ मीडिया सभी देख रही है कौन कौन एक्टिव है, कौन कौन एंगेज है ब्रांड एम्बेसडर्स। तो वही एक मैसेज था सभी फाउंडर्स के लिए। तो थैंक यू वेरी मच रेखा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मैं एक नाम बुलाना चाहूंगी अनीता जी का, वो बहुत देर से सॉरी हैंड रेज है। इंटरव्यू रेखा मैम, सॉरी इंटरव्यू। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, मेरी गो आवाज आ अहेड। रही है? अच्छा, ओके यस ओके, यस, सॉरी सॉरी सॉरी। एक्चुअली देवीलाल सर आए हैं तो मेरे को कॉल आया था, तो अचानक से मैंने नहीं उठा पाया, अर्जेंट था। सो थैंक यू सो मच देवीलाल सर, मैं थैंक्स बोलने के लिए ही मैं बीच में बोल रहा हूँ, क्योंकि आप अचानक से आए हैं, और प्लीज आप आते रहिए कंटिन्यूअसली। आपको सुनने से ना बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और आप प्लीज कंटिन्यूअसली, मेरी रिक्वेस्ट है, आप 369 वेबिनार में हमें अपना टाइम देते रहिए। थैंक यू रोहित जी, मैंने अपनी तरफ से पर्सनली उनको बहुत 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 धन्यवाद कर दिया था। एंड यस, उनका प्रेजेंस यही नहीं, इंडिया में कहीं भी वो चले जाएं और खड़े होकर कहीं भी बोले तो इट मीन्स अ लॉट टू एवरीवन, क्योंकि वो एक बहुत बहुत मोटिवेशन के फैक्टर है हम सबको जगाने के लिए। उन्होंने बहुत योगदान दे रखा था, मतलब बहुत पहले से। थैंक यू सो मच नेक्स्ट मैं सर, प्लीज नेक्स्ट कंटिन्यू। हाँ यस, प्लीज हाँ कंटिन्यू नेक्स्ट रेखा मैं मैम। आपको हैंड ओवर करना चाहती हूँ, बिकॉज आई हैव वेरी लिटिल टाइम। आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर हम आज, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 7:50 हो चुके हैं और एक्सरसाइज भी बाकी है, 8 o'clock हमारा दूसरा सेशन भी है वेर वी हैव टू गो, सो आई थिंक आज के लिए हम इतना ही। कल हम सारे जितने भी आपके हैंड रेज हैं, ये हम कल फर्स्ट थिंग हम आपके नाम और आपके नेम्स को पुकारेंगे इफ यू से सो, अदरवाइज रोहित जी आप कंटिन्यू कीजिए। अनीता जी, इतने में आप अपनी बात रखिए, मैंने आपको आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। यस रेखा मैम, आई एम हियर। अभी को होस्ट हो चुके हैं क्या? ऑलमोस्ट सारे हो गए। अनीता जी का हाथ बहुत देर से रेज था, मैं उन्हें आस्क टू अनम्यूट कर चुकी हूँ। लेट लेट लेट्स लिसन टू हर। अनीता जी आप बोलिए। हाँ मैं
मुझे यहाँ पे रामाज्ञा सर भी दिखे हैं कहीं। हेलो स्टूडेंट्स, तो वही एक मैसेज था सभी फाउंडर्स के लिए, तो थैंक यू वेरी मच रेखा मैम, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मैं एक नाम बुलाना चाहूंगी,